भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं वहीं मैं आप सबका आभारी भी हूं कि इतनी गर्मी में जहां धूप है सर पे कुछ रखा होगा कि नहीं रखा है उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग इतनी गर्मी में धूप में आशीर्वाद दे सकते हैं तो जब वोट पड़ेगा तो अपने गांव में घर में न जाने कितने मतदाताओं से हमारी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी की मदद करेंगे इस मैदान में हम लोग पहले भी मिल चुके हैं इस मैदान में हम और आप लोग कई बार मिले हैं पहले जब आए थे तो यही इंटर कॉलेज हमें लाल रंग का दिखाई दे रहा था याद होगा आपको जो साथी यहाँ के होंगे पत्रकार साथियों को याद होगा ये लाल रंग का हुआ करता था इसकी छतें जर्जर थीं, बहुत खराब हो गया था और समाजवादियों ने की नजर पड़ी इसको भी ठीक कर दिया कम से कम शुरुआत हो गई कि जहां पर पढ़ाई होती है वो इंतजाम किया है समाजवादियों ने इसी तरह विकास का रास्ता खोला था समाजवादियों ने कि तरक्की और खुशहाली का रास्ता क्या है उस दिशा में ले जाने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे लेकिन न जाने कौन सी बात कही भारतीय जनता पार्टी ने और सपने दिखाए बड़े बड़े सपने दिखाए न जाने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या लिख दिया जनता को भरोसा हो गया कि ये लोग कुछ बदलाव लाएंगे अब 2019 आ गई हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो अच्छे दिन आने वाले और अच्छे दिन वाला जो घोषणा पत्र था वो कहां है कोई हमें बताए अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का कहां है अब अच्छे दिन पता ही नहीं कहां पर है भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ला पाई कम से कम हम लोगों को बता दो कि अच्छे दिन कहां है हम लोग चल करके पहुंच जाएंगे वहीं पर अच्छे दिन आएंगे जब यहां से गठबंधन का प्रत्याशी जीत करके लोकसभा में खड़ा होगा तब अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन भूल गए हम नौजवानों का करोड़ों नौकरी देंगे नौकरी भूल गए किसानों का चौदह दिन में बकाया भुगतान हो जाएगा हमारे किसान भाई हैं यहां पर उपस्थित होंगे बताओ अभी भी बकाया है चीनी मिलों का नहीं दे पाए पैसा सरकार के लोग और प्राइवेट मिल अभी भी पड़ा हुआ है नहीं दे पा रहे ये लोग बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे कि नहीं आए थे आने वाले होंगे तो उन्हें हिसाब किताब दे देना कि अभी भी बकाया है चीनी मिलों का सब कुछ बकाया है और ये जो घोषणा पत्र दो का इन्होंने जारी किया है ये जो संकल्प पत्र नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी का धोखा पत्र है हमें और आपको धोखा देने वाला पत्र है कह रहे थे कि रुपया हमारा डॉलर से नीचे जा रहा है डॉलर ऊपर जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया नोट बंदी करा दी सबके नोट जमा करा लिए बताइए हमारे आपके सबके नोट जमा कराए कि नहीं कराए और कहा कि काला धन आ जाएगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा बेईमानी खत्म हो जाएगी और जब बैंकों में पैसा हमारा आपका जमा हो गया वही लोग वही लोग उनके खासम खास लोग हवाई जहाज पकड़ करके भारत छोड़ करके चले गए हमारा आपका बैंकों में जमा पैसा था हजारों करोड़ लेकर के चले गए अगर ये बात आप जान गए हो अगर ये बात जान गए हो आप तो फिर तारीख का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जिस दिन वोट डालना है और हमारे किसान खाद और यूरिया में भी चोरी की है पांच किलो की की है कि नहीं की है तो आप लोग ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हो आपकी नौकरी चोरी हो गई नौकरी चोरी हो गई और जेब में से भी चोरी हो गई सब जमा हो गया पैसा व्यापारियों की जीएसटी से हुई चोरी के नहीं हुई बताइए आप तो जब आप जान गए हो तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है ये बात अगर जान गए हो आप तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चौकीदार की इस बार हम लोग चौकी छीन लें और चौकी छीनेगी कि नहीं छीनेगी पीलीभीत वालों हमें बताओ या फिर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे चौकीदारों के चक्कर में और जो हमारा असली चौकीदार गांव वाला है उसका कोई हाल नहीं लेने वाला है कोई हमारा गांव का चौकीदार या जानता होगा तो हम उसको बता दीजिए कि इन्होंने तो नहीं सम्मान दिलाया है चौकीदार को हमारे गांव के समाजवादी सरकार जब जब बनी है उनको सम्मान दिया है और आने वाले समय में केंद्र सरकार बनेगी समाजवादियों के और गठबंधन के सहयोग से तो उन चौकीदारों को सम्मान देने का काम करेंगे इसलिए पहले वो चाय वाला बन के आए थे चाय वाला बनकर के आए थे और अब चौकीदार बनकर के आए हैं आप सावधान हो के नहीं सावधानों बताओ कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले चाय वाला बदल गया तो चाय पीने लगो आप लोग सुना यहां पर चाय वाले बदल गए हैं कहीं और चाय बना रहे थे ये सुल्तानपुर में चाय बना रहे थे क्या तभी तो सुल्तानपुर वाले इंतजार कर रहे हैं कि जिन्होंने खराब चाय बनाई है वो हैं कहां पर आपके यहां आ गए ये क्या आपके यहां आ गए बताओ जब खराब चाय वहां बनाई तो यहां कैसी चाय मिलेगी आप बताओ और पीलीभीत के लोग तो हमें जानते हैं मेहनत करने वाले लोग हैं ये दूध वाले लोग हैं चाय वाय के चक्कर में कम पड़ेंगे खैर आप ना बोलो लेकिन हम तो बोल सकते हैं दूध वाले बताओ अपने आप को कि नहीं बोल सकते तो बताइए रिजेक्टेड माल को आप पसंद करोगे कैसे पीलीभीत के लोग हो बताओ आप वो सुल्तानपुर से रिजेक्ट हो चुके हैं रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए रिजेक्ट और फिर हिसाब किताब भी तो होगा कोई मैं आपसे कहना चाहता हूं हम भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते वो चाहते हैं कि हम भाषाओं में उलझ जाएं हम असली मुद्दों पे बहस ही ना करें वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसका जवाब हम दें हम ऐसा नहीं करेंगे हम उनसे हिसाब किताब किसानों की खुशहाली का मांगेंगे और नौजवानों की बेरोजगारी का मांगेंगे हम उनकी बहस में नहीं फंसने वाले बताइए दो हजार रुपए देना चाहते हैं छह हजार किसान को हमारे किसान भाई हैं सिख समाज के लोग हैं मेहनती किसान लोग हैं इन्हें दो हजार रुपये छह हजार रुपए चाहिए क्या इन्हें सस्ती खाद इनकी फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए ये चाहते हैं ये लोग ये मेहनत करके कमा सकते हैं आपने वादा किया था कि हम डेढ़ गुना मुनाफा देंगे और आए दोगुनी कर देंगे यहां के किसान पूछना चाहते हैं बताओ कौन सी फसल का आप डेढ़ गुना हमें दे रहे हो ये आलू याद कीजिए ये बाबा मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे इन्होंने कहा हम आलू खरीद लेंगे बताओ पीलीभीत के भाइयों किसी का आलू खरीदा उन्होंने अब धान में गड़बड़ कर दिया धान में गड़बड़ कर दिया और जहां जा रहे हैं हमारे ये बाबा मुख्यमंत्री जी जहां बाबा मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वो कह रहे हैं हमने देश में नौ करोड़ शौचालय बनाए हैं जहां जा रहे हैं वहीं कह रहे अखबार पढ़ लो बोलो पत्रकार साथी यही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे ये कह रहे हैं कि नौ करोड़ हमने शौचालय बनाए हैं हम उनसे जाना चाहते हैं कि बताओ नौ करोड़ शौचालय तो बना दिए आपने लेकिन उसमें मग्गे में पानी तो दिया ही नहीं तो शौचालय जाएगा कौन कैसे जाएगा बताओ हमें हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं कह रहे हैं शौचालय जाइए लेकिन मग्गा मल्ले जाइए क्या संभव है ये भारतीय जनता पार्टी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पे खत्म हो जाती है कांग्रेस एक गड्ढे का शौचालय बना रही थी भारतीय जनता पार्टी दो गड्ढे का शौचालय बना रही थी और न कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में और न भारतीय जनता पार्टी ने पानी दिया शौचालय में बताओ ये हालात पैदा कर दिए इसलिए समाजवादी लोग कहते हैं कि हमारे गरीबों को संपन्न बना दो पढ़ा लिखा बना दो अपने आप शौचालय बना लेंगे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें संपन्न बनाओ इन्हें पढ़ा लिखा बनाओ अपने आप घर भी बना लेंगे और शौचालय भी बना लेंगे समाजवादियों ने लोही आवाज देना शुरू कर दिया था लोही आवाज तीन लाख पांच हजार का पेंशन दे रहे थे पांच सौ रुपया महीना इस सरकार ने रोक लिया बाबा मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी वो योजनाएं हम आपसे कहना चाहते हैं ये दिल्ली की सरकार दावा करती है कि पैसा बहुत है उनके पास खजाना है हम गरीबों को घर अगर देंगे तो तीन लाख से ज्यादा पैसे का गरीबों को घर बनाने का काम करेंगे और बिजली का भी इंतजाम होगा सोलर पैनल भी होगा सोलर पैनल भी होगा जिससे बल्ब जल जाए पंखा चल जाए और जरूरत पड़े तो टीवी और मोबाइल भी चार्ज हो जाए ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग गरीबों के लिए करेंगे आपको बिल नहीं देना पड़े बिजली का बिल बताओ कितने महंगे हो गए बिजली के एक यूनिट नहीं बनाई हम पत्रकार साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं ये जो प्रचार कि गांव गांव बिजली लगा दी ये समाजवादियों की समय से शुरू की गई योजना है जो लगातार काम कर रही है बिजली आ गई लगाई जा रही है समाजवादियों ने शुरू किया था बड़े पैमाने पर हम उनसे जानना चाहते हैं बताओ पूरे प्रदेश में अगर एक भी ट्रांसमिशन लाइन लगाई हो एक भी बिजली बनाने का कारखाना एक मेगावॉट भी बनाया हो तो बताओ हमें एक मेगावाट भी बिजली नहीं बनाया ना ट्रांसमिशन लाइन जब बिजली बनेगी नहीं आएगी कैसे तार से समाजवादियों ने कम से कम बुनियादी जो ढांचा होता है बिजली का उसको बेहतर करने का काम किया ये एम्बुलेंस चला रहे हैं जो गरीबों के लिए 102, 108 समाजवादियों की देने हैं। बाबा मुख्यमंत्री जी आए एम्बुलेंस भी पुतवा दी समाजवादी शब्द हटवा दिया लेकिन इस बार हमारी जनता तैयार है महागठबंधन को जिताने के लिए समाजवादी अपने आप लिख जाएगा यहां पर और बड़ी मेहनत से पुलिस के लिए काम किया सौ नंबर दिया और पुलिस का सौ नंबर इसलिए दिया कि हमारे गरीब अगर खेत में है कहीं है झगड़ा हो गया पानी को लेके झगड़ा हो गया आबादी को लेके झगड़ा हो गया या कोई बातचीत करते करते कोई झगड़ा हो गया और अगर सौ नंबर मिला देते थे तो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती थी पुलिस इसलिए इंतजाम किया था दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी सौ नंबर फोन करो पुलिस पहुंचे लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने ये सौ नंबर वाली पुलिस भी गड़बड़ कर दी पता नहीं क्या कर रही है पुलिस सौ नंबर वाली वो बुराई यहां भी आ गई क्या जो और जगह है जी। जी। तो आ गई होगी बुराई ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने सौ नंबर भी हमारी पुलिस का खराब कर दिया अभी जब हम चले जाएं तो पुलिस के जो अधिकारी उनसे पूछेगा सबसे ज्यादा प्रमोशन किस पार्टी ने दिया सबसे ज्यादा पुलिस को गाड़ियां किसने दी और दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था सो नंबर किसने दी ये पुलिस के लोगों से पूछना और आसान भर्ती कर दी अब ये आसान भर्ती इसलिए कर दी क्योंकि नौजवान नौकरी चाहता है रोजगार चाहता है इसलिए ये एक नहीं तुम्हारे जैसे न जाने कितने होंगे बेचारे नौजवान तुम तो अपना दुख चिल्ला भी रहे हो यहां पर तुम तो अपना दुख चिल्ला भी रहे हो तमाम नौजवानों के सपने मार दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नौजवान बोल भी नहीं सकता कि हमें नौकरी चाहिए इनका भविष्य नहीं खत्म किया है देश की आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य किया है बेचारे बेरोजगार रह गए बेरोजगार बाप बन गए लेकिन नौकरी नहीं मिली इन लोगों को यह हालत पैदा करती है इसलिए पुलिस की भर्ती भी आसान की थी समाजवादियों ने और कहा कि मेरिट ले आओ दसवा बारहवें के नंबर और दौड़ के दिखा दो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे और समाजवादियों ने कर -कर के दिखाया हो सकता है मेरिट वाले आध खड़े हो यहां पर नए सिपाही कोई मेरिट वाला है क्या हाथ ऊपर मत करिए नीचे रखिए नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे हाँ बाल हमें ही करना पड़ेगा और इसलिए कहा कि इनकी टेंशन खत्म करनी थी इनकी टेंशन थी इन्हें दो परीक्षा लिखो तब भर्ती होते थे फिजिकल टेस्ट दो परीक्षाएं लिखनी पड़ती थी और हमने कहा कि बताओ पुलिस में भर्ती होने के लिए केवल डंडा पकड़ने के लिए दो परीक्षा लिखोगे ये दो परीक्षाएं लिखी जा रही थी डंडा पकड़ने के लिए केवल हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी दसवें बारहवें के नंबर और दौड़ के दिखा दो अपने आप पुलिस भर्ती हो जाएगी सबसे जल्दी और सबसे आसान पुलिस भर्ती की इसी तरह दिल्ली में समाजवादी लोग जाएंगे गठबंधन के लोग जाएंगे तो वहां भी फौज की चाहे पैरामिलिट्री की इसी तरह हमें करनी पड़े इंतजाम करेंगे और अगर ट्रेनिंग देनी हो बेहतर तो ट्रेनिंग आप बेहतर दे दो अच्छी वर्दी दे दो अच्छा खाने को दे दो ये अपने आप अच्छा काम करेंगे ये व्यवस्था करना चाहते समाजवादी लोग इसलिए ये पीलीभीत के हमारे तमाम किसान भाई नौजवान साथियों आपसे हम विशेष निवेदन करने आए अपील करने आए हैं ये जो गठबंधन तैयार हुआ है आपको सुनाई दे गई होगी बोट की आवाज बोट की आवाजें पहुंच गई पहले चरण की के नहीं पहुंची आपके कानों तक जैसे कभी कभी बारिश तेज होती है तो कमरे के अंदर सो भी रहे हो तो आवाज सुनाई दे जाती है उनके बूंदों की पहले चरण के बोट की आवाज आपके कान तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई और किस तरीके से बोट बरसा है पहले चरण में बताओ उसी तरह बरसाओगे बोट पीली में कि नहीं बरसाओगे आप लोग ये गठबंधन को कह रहे हैं महा मिलावट है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसानों का गरीबों का नौजवानों का ये गरीब जो छूट गए थे उनका गठबंधन है उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कहें ये महामिलावट का नहीं है ये महापरिवर्तन का गठबंधन है ये देश क्यों परिवर्तन के रास्ते पर ले जाने का काम करेगा ये कहते हैं कि नया देश बनाएंगे नया देश आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नया देश बनाएंगे नया देश भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती है नया देश गठबंधन बनाएगा और नया देश तब बनेगा जब ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा बीजेपी के लोग नया देश बनाना चाहते हैं हम महागठबंधन के लोग नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं क्योंकि पुराने प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं अब तो उन्हें पता लग गया होगा पहले चरण का रिजल्ट भी और इस वाले चरण में तो सफाया है बिल्कुल सफाया कोई सीट नहीं मिलने वाली बताओ इस चरण में हम मान लें सफाया है कि नहीं सफाया है पीलीभीत वालों कहीं ये बीजेपी के जो रिजेक्टेड सुल्तानपुर से हैं उनके चक्कर में तो नहीं पड़ जाएगा कोई अच्छा मंच वाले नहीं बोल रहे कोई मंच पे तो नहीं चक्कर में पड़ जाएगा अब नहीं चक्कर चलेगा उनका इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहती हैं उलझाएंगे आपको आपको दूसरे रास्ते पर ले जाएंगे ये शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे अगर कोई खड़ा होगा या शिक्षा मित्र वाला इनको समायोजित कर दिया था हमने इनको नौकरी मिल गई थी सरकार ने इन्हें भी धोखा दिया इन्हें पटा लिया था पिछले चुनाव में ये पिछले चुनाव में उन्हीं के चक्कर में फंस गए ये शिक्षा मित्र वाले लोग लेकिन इस बार शायद लाठी ज्यादा चली है इनके ऊपर अब तो नहीं बदलोगे तुम्हारी पहले भी मदद की थी शिक्षा मित्र वालों चौदह चौदह साल नौकरी की है कुछ लोगों ने बीस साल नौकरी की है और उसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं इन्हें छीन लिया गया सब कुछ समाजवादियों ने दिया था जब समाजवादी सरकार आएगी तो दोबारा आपको वही शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे बताओ कैसे उलझाया हुआ है आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी रोजगार सेवक योजना तो दिल्ली की है और प्रदेश सरकार परेशान होती है इसलिए यह दो तरह की नीतियां नहीं चलेंगी आने वाले समय में क्योंकि आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता रोजगार सेवक और चौकीदार ये चौकीदार नाम भी गड़बड़ हो गया कुछ नया नाम ढूंढना पड़ेगा भाई आपका बताइए बीजेपी ने हमारे ईमानदार चौकीदारों का भी नाम गड़बड़ करवा दिया इतनी ईमानदारी और वफादारी से रहते थे बताओ तो मैं कह चुका हूं कि जब चौकी छीननी तो अच्छी से बोटों से छीनना लगे कि हाँ पीलीवीत के लोगों ने वोट डाल करके कोई चौकी छीनी है ये कहने को तो सब गए हम लोग इसलिए पीलीभीत के हम लोगों से विशेष निवेदन करने आए हैं ये नौजवान प्रत्याशी है ये आपके बीच में रहेंगे काम करेंगे मदद करेंगे और सुख दुख में भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे अगर आप खुशहाली चाहते हैं विकास चाहते हैं अगर खुशहाली चाहते हैं विकास चाहते हैं ये पीलीभीत भी चौड़ी चौड़ी सड़कों से जुड़ जाए मैं कल गया था बरेली मैंने कहा कि आपका सात बार के एमपी बरेली को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए जाम से फंसा दिया शहर और उन्होंने ऐसा स्मार्ट बनाया है कि सड़कों पर भैंसें घूम रही हैं। अब स्मार्ट सिटी उसी को मानना पड़ेगा बरेली को जोड़ा है बहेड़ी वाले जानते होंगे विधायक जी बैठे बहेड़ी जाने में न जाने कितना टाइम लगता था और सीधी सड़क जोड़ दी बहेड़ी फोर लेन बरेली से बहेड़ी फोर लेन बना दी बरेली से बदायू फोर लेन बना दी बरेली का बाईपास भी बना दिया और हमें मौका मिल जाता तो आपका बरेली से पीलीभीत और पीलीभीत से लखीमपुर भी आपको फोर लेन सड़क से जोड़ देते जोर देते हैं हम लोग क्योंकि उधर सीतापुर से लखीमपुर तुम तो फोर लेन बना दी थी आपके दुधवा तक की भी बना दी थी मैंने अधिकारियों से कहा कि बताओ फॉरेस्ट के बीच से अगर निकल जाएंगे और सड़क अच्छी बन जाएगी तो लोग जल्दी जा सकेंगे आपको भी मौका मिल जाएगा सुरक्षा करने का और अपना जंगल बचाने का भी क्योंकि हम जानते हैं जंगल में यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई जान जाती है किसान की खेत काम कर रहा होगा या कोई निकल गया जंगल में तो पता लगा टाइगर ने उसे खा लिया टाइगर ने थपेड़ा मार दिया सबसे ज्यादा जान अगर गरीब की कहीं जा रही है तो यही इलाका है पीलीभीत और लखीमपुर जहां पर टाइगर आकर के जान ले लेता है मदद करने का काम अगर किसी ने शुरू किया था उस समय भी तो समाजवादियों ने और सुरक्षित रहे आम लोग सुरक्षित रहे आम लोग बताओ ये सरकार टाइगर को नहीं रोक पा रही और छप्पन इंच का सीना लिए घूम रहे हैं टाइगर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे जंगल को सुरक्षित हमने तो इटावा में लाइन सफारी बना दी जहां पर लाइन ले आए कभी डकैत हुआ करते थे अब वहां पर शेर हैं और शेर के साथ साथ शेर के बच्चे भी पैदा कर दिए ये समाजवादियों ने अपनी सरकार में करके दिखा दिया और ऐसी बाउंड्री बनाई है कि शेर बाहर नहीं जा सकता दुनिया में आज चीजें मौजूद हैं पैसा है इस विभाग के पास हजारों करोड़ रुपया है वन विभाग के पास जितना चाहे संरक्षण कर लें सुरक्षा दे दें हमारे पीलीभीत के लोग भी जानते होंगे कि जंगल विभाग पर सबसे ज्यादा पैसा है और जंगल विभाग के अधिकारियों से पूछना जंगल के लिए सबसे ज्यादा काम किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने और समाजवादी सरकार ने काम करके दिखाया था जहां जंगल को बचाया और हमारे आम लोग भी सुरक्षित रहे और अगर घटना हो जाए तो मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में हो रहा था उनके गरीबों की सब छीन लिया इन्होंने फ्लाईओवर भी बन गया और भी काम होते सब रोक दिया लैपटॉप भी बच्चों को बांट दिया था समाजवादियों ने इन्होंने कहा कि हम भेदभाव करते हैं अपने लैपटॉप बांटने में हम जाति और धर्म के आधार पर लैपटॉप देते हैं इन्होंने भी अपने संकल्प पत्र में लिखा था बताओ किसी भी नौजवान को उन्होंने दिया हो लैपटॉप तो बता दो हमें हम पे आरोप लगाया समाजवादियों को बदनाम किया और बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को लैपटॉप नहीं दिया और वो लैपटॉप देते कैसे क्योंकि वो चलाना ही खुद नहीं जानते और बताओ समाजवादी साथियों जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप बटे होंगे वो अभी भी चल रहे होंगे बताओ चल रहे कि नहीं चल रहे जिस मोहल्ले जिस गांव में पहुंचा होगा अभी भी चल रहा होगा और जब बटन दबाते होंगे ऑन करने के लिए नौजवान जानते होंगे तो नेताजी की और हमारी तस्वीर ही देखते हो गए आप हम तो बाबा जी से कहते हैं कि भाई हमारी तस्वीर खराब लग रही थी अपनी तस्वीर लगवा लेते आप भी तो अच्छे दिखते हो इसलिए कम से कम मदद तो करते लोगों की गरीब महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन देने लगे थे बिना भेदभाव के आबादी के हिसाब से दे रहे थे जो जितनी आबादी का है उस हिसाब से दे रहे थे पेंशन वो पेंशन भी रोक ली इसलिए हम गरीब माताओं बहनों से कहना चाहते हैं हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी लोग आएंगे तो उनको दुगनी कर दी जाएगी पेंशन अब हम कहना चाहते हैं दिल्ली में जा रहे हैं कांग्रेस तो 6000 का सपना दिखा रही है हम लोगों ने तो 500 करके दिखाया था चाहे वो बिकलांग हो चाहे विधवा पेंशन हो सबको तीन हजार रुपए से ज्यादा देने का काम समाजवादी लोग करेंगे जिस तरीके से समाजवादी पेंशन देते थे अपनी माताओं बहनों का सम्मान देने का काम करेंगे इसलिए विकास के रास्ते पे चलिए ये नफरत की तरफ ले जा रहे हैं पीली भी से अच्छी संस्कृति कहां मिल सकती है जहां हर समाज के लोग मिलजुल करके रह रहे हैं जहां हमारे सिख भाई हैं जिनके गुरुद्वारे हैं वही हमारे मुसलमान भाइयों की जाम मस्जिद भी है जहां हमारे हर जाति के लोग मिलकर के रहना चाहते हैं हमारे सिख भाइयों की ताकत है कि अभी ब्रिटेन को कहना पड़ा कि उन्हें झिलिया वाले बाग में गलती की थी ये हमारे सिख भाइयों की ही ताकत है आपने अखबार पढ़ा होगा हमारे ये जानते होंगे आलू वालिया जी रामू वालिया जी रामू वालिया जी जानते होंगे बताओ ब्रिटेन में कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा उनके प्रधानमंत्री को हाँ उन्होंने मांगना पड़ा वो इसलिए उन्होंने गलती मानी क्योंकि सिख समाज के लोग मेहनत कर करके न केवल भारत में बल्कि दुनिया में पहुंच गए हैं और जहां भी हैं वो सम्मान का जीवन जी रहे हैं और संघर्ष कर करके उस समाज के साथ बराबर से खड़े हो गए हैं कोई दुनिया में इतना तरक्की नहीं किया होगा ये इसीलिए गुजरात के लोग आपको नहीं देख सकते आप लोग आगे बढ़ रहे हो आप लोग आगे बढ़ रहे हो और आप ही किसान हो इसीलिए वो डेढ़ गुना और दो गुना नहीं देना चाहते आए दो गुना नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं पीलीभीत के लोगों कहां अदला बदली के चक्कर में पड़ हैं ये लोग जनता सब समझती है कोई यहां रिजेक्ट था कोई वहां रिजेक्ट था यही तो बात थी बताओ अगर आपने नहीं पीलीभीत के लोगों ने पसंद किया तो नहीं बुला लो उन्हें बुला लो उन्हें ही लड़ने दो यहां पर इसका मतलब पीली पीलीभीत की जनता को नया पसंद है कोई नई पार्टी पसंद है तभी नया प्रधानमंत्री बनेगा जब नया लोकसभा में पहुंच के जाएगा महागठबंधन का इसीलिए हमने कहा कि इसीलिए मैंने कहा आपसे कि नया कोई जीतेगा तभी नया भारत बनेगा तभी नया प्रधानमंत्री बनेगा और गठबंधन के बाद तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ये वही लोग हैं जो कहते थे गन्ना क्यों पैदा कर दिया आपने गन्ना क्यों बो रहे हो आप क्या यही बात तो कही गई थी बताओ बताओ जो कीमत नहीं दे पा रहे वो कह रहे कि गन्ना कैसे बो क्यों गन्ना बो रहे हो आप सबको हो जाएगी हो जाएगी और इन्हीं से सीख करके हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि ज्यादा गन्ना बोगे तो ज्यादा सुगर हो जाएगी और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी का सामान्य ज्ञान तो इतना अच्छा है कि कुछ लोगों ने शिकायत की कि बंदर बहुत हैं उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ दो तो अपने आप बंदर चले जाएंगे बताओ यही कहा था कि नहीं कहा था और ये लोग जो जातियां बता रहे थे भगवानों की इस बार भगवान भी इनसे नाराज है इनको सबक सिखाने जा रहा है भगवान भी इस बार इनको कितना धोखा दोगे आप धोखा पे धोखा दे रहे हो इसलिए राजनीति में ये परिवर्तन के मौके बार बार नहीं मिलते हैं कब मिलेगा परिवर्तन का मौका यही मौका है और इस बार चुके गए तो पांच साल बाद मौका मिलेगा आपको पांच साल बाद पांच साल का हिसाब किताब मांगे इनसे कि क्या है तुम्हारा हिसाब किताब कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं और हमें आपको उलझा रहे हैं कभी पाकिस्तान को लेकर के कभी कोई मामला लेकर के जिस तरीके से अंग्रेजों ने बांटा था हमें और आपको और कई सौ वर्ष राज करते रहे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमें धर्म और जात में बांट करके राज करना चाहते हैं इसीलिए ये सामाजिक न्याय का गठबंधन है गरीबों का है किसानों का है और ये विचारों का संगम है यही देश में परिवर्तन लाएगा और संविधान को बचाएगा और संविधान से मिले हुए हमें अधिकारों को और हक को दिलाने का काम करेगा बताओ तो तो हम यहां के रहने वाले लोग हमें दूसरी नजर से देखते हैं सबने मिलकर के आजादी दिलाई और भारतीय जनता पार्टी की नजर में भेदभाव है कभी धर्मों का भेदभाव कभी जातियों का भेदभाव ये नफरत की जो दीवार बनी है इस चुनाव में ये नफरत की दीवार को गिराने का काम ये महागठबंधन करेगा इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं ये गर्मी में चुनाव करा रहे हैं ये लोग ये चुनाव एक महीना पहले भी हो सकता था ये एक महीना पहले भी चुनाव हो सकता था यहां पर लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे थे उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे थे रंग बदल रहे थे नाम बदल रहे थे इसलिए एक महीना लेट चुनाव कराया है इधर पीलीभीत के लोगों से हम कहना चाहते हैं किसान भाइयों से कि जहां धोखा दिया इन्होंने नौजवानों को रोजगार की चोरी की वही जो गर्मियों में हमें और आपको तकलीफ दे रहे हैं इसकी भी सजा देने का काम इनको करना बताइए सजा एक महीने पहले जो चुनाव हो सकता था एक महीने आगे बढ़ा दिया इन्होंने इसलिए आप सबको विशेष निवेदन करता हुआ अपील करता हुआ इस भरोसे के साथ कि जब मतदान होगा तो हमारे हेमराज जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे इसलिए जहाँ समाजवादी पार्टी मदद कर रही है वही बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आपके साथ खड़े हैं आरएलडी भी खड़ी है पूरी की पूरी और पहले ही चरण में आपके सब नेता जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं आरएलडी वाले बताओ आप आप जान गए होंगे आरएलडी वाला भी जीत रहे है साहब हैंडपंप वाले भी सब जीत गए और जितना वोट पड़ा है उससे बौखला गए हैं इसलिए अपने हम हेमराज जी से कहेंगे कि चुनाव के बाद असली फटीचर पता लगेगा कौन है फटीचर अभी मत उनके चक्कर में फंसी है वो तो चाहते ही हैं कि हम उलझ जाए उनसे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भी कुछ कहा नेताजी के लिए भी कुछ कहा और हम तो कहेंगे उनसे कि जिस तरीके से धोखा देने का काम कर रहे हैं आप इसका हिसाब किताब सब जनता देगी हम सब कुछ जनता पे छोड़ रहे हैं अगर किसान का भला किया हो इन्होंने नौजवान की नौकरी ना चोरी की हो व्यापारियों की चोरी न, न की हो आमदनी में खाद में ना चोरी की हो शौचालय बना दिए बिना पानी के बिजली की महंगी कर दी और जिस तरीके से नफरत फैलाई है बीजेपी के लोगों ने कितने दिन जेल में रहे थे ये जब नफरत फैलाई थी कितने दिन जेल में रहे थे एटा जेल में एटा जेल में भी हो पता होगा आपको एटा जेल में रहे थे तो रोते थे शायद यही गठबंधन था जिसने जेल की हवा खिलवाई थी यही और इस बार वोट नहीं मिलेगा जब खाली डब्बा रहेगा वोट का तब कहा जाओगे इसलिए वापिस इन्हें दिल्ली भेज दो इन्हें लोकसभा की में ऐतिहासिक वोट देकर के दे भेज दो यही निवेदन करने आया इस उम्मीद भरोसे के साथ के खुशहाली के साथ आप रहेंगे प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे जो नफरत मिटाना चाहते हैं जो सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं उनके साथ नौजवान खड़े होंगे नया देश नया भारत तभी बन सकता है जब देश में नया प्रधानमंत्री हो नई सोच का हो नई तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाला हो हमें भरोसा है कि आप साइकिल की मदद करेंगे एक एक बोर्ड साइकिल पे डाल करके ऐतिहासिक बोर्डों से जिताने काम करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई दूर से दिख गए हो तुम कादरी साहब हो बहुत धन्यवाद